नमस्कार, आज है 9 जनवरी, दिन है सोमवार, वक्त हो गया जी बिजनेस का बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल, करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। जोशीमठ संकट को लेकर एक्शन में आया शासन प्रशासन, पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, सीएम धावी ने कहा हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, जोशीमठ के लिए अब आगे की राह क्या, हम कैसा जोशीमठ देखेंगे। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा यह किसी एक प्रदेश का मामला नहीं, जबरन धर्मांतरण पर ना हो राजनीति। अल्कोहल सेवन को लेकर WHO की चेतावनी, थोड़ा पियो या ज्यादा अल्कोहल का सेवन से बना रहता है कैंसर का खतरा, इसलिए जो थोड़ी थोड़ी पिया करो की देते हैं नसीहत वो गलत। इंडिया 360 में करेंगे WHO की चेतावनी का 360 डिग्री विश्लेषण। TCS ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे, बिक्री अनुमान से बेहतर मगर मुनाफा अनुमान से कुछ कम। कंपनी तीसरी तिमाही में हुआ कंपनी को 10,850 करोड़ का मुनाफा, ₹75 प्रति शेयर डिविडेंड का भी किया ऐलान। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखी तूफानी तेजी, सेंसेक्स में 850 अंकों की तेजी, निफ्टी में 250 अंकों का उछाल, निफ्टी बैंक में करीब 400 अंकों की शानदार तेजी। तो ये तो थी हेडलाइंस, अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ ये पूरी कहानी भी देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में पहुंचे दुनिया भर के भारत वंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय उन देशों में भारत के राष्ट्रदूत हैं। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत की सुनती है, भारत में स्किल कैपिटल बनाने का सामर्थ्य है, यह दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है, हमारे लिए यह दुनिया भारत के बारे में बताने का अवसर लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी याचिका को आज खारिज कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। CGI DVI चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के हर पहलू पर विचार करने के लिए गठित की गई कमेटी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। जबरन धन परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। याचिका पर अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। सुनवाई में फर्जी धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने के निर्देश की मांग की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण भी कर सकता है। इधर तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल R.N. रवि के संबोधन के दौरान हंगामा हो गया। सत्तारूढ़ DMK और उसके सहयोगी कांग्रेस और VCK के विधायकों ने राज्यपाल की टिप्पणी पर नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य का नाम तमिलनाडु की बजाय तमिझगम ज्यादा बेहतर होगा। हंगामा के चलते राज्यपाल ने स्पीच बीच में ही छोड़कर वॉकआउट कर दिया। खबरों के मुताबिक DMK के विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि आप BJP और RSS की विचारधारा मत थोपिए।
इधर सरकार एयरपोर्ट सुरक्षा के मुद्दे पर और सख्त हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज एयरपोर्ट सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर बैठक में जो हुई उसमें सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मामलों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और CISF के आला अधिकारी शामिल हुए। इस बीच एयर इंडिया ने फ्लाइट के दौरान शराब परोसने की नीति की समीक्षा करने का भी फैसला किया है। तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हिमालय का गेटवे कहा जाने वाला जोशीमठ खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ की जमीन धस रही है, मकान दरक रहे हैं, कई इसे जोशीमठ के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारे पास अब कुछ नहीं? जोशीमठ का भविष्य अब क्या हो? बीते वक्त में हम झांक चुके हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं उनमें झांकना जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त जोशीमठ का भविष्य क्या हो, कैसे बचाया जा सकता है, जो बचा हुआ है उस पर करेंगे फोकस हमारी इस खास पेशकश में। जोशीमठ में जो उसकी जो आह है, अब उसके बाद आगे की राह क्या है, इसी से जुड़ी आज की हमारी खास पेशकश। तो जोशीमठ के जमीन में समाने का खतरा गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन करार दे दिया गया है। बीते 48 घंटे में जमीन धसकने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 600 के पार हो गई है। आप कह सकते हैं कि जोशीमठ में दरारों का जाल अब दायरा फैला रहा है। तेजी से बदलते हालात की वजह से प्रभावित इलाकों के परिवारों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया जा रहा है। जमीन धंसने की घटनाओं के बाद शासन प्रशासन हरकत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में मौजूदा हालात से निपटने के लिए प्लान तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। सरकार ने जोशीमठ में NDRF की एक टीम, SDRF की 4 टीमों की तैनाती भी की है। बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने राहत कार्यों की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। वहीं चमोली जिला प्रशासन भी सक्रिय है। जिला प्रशासन और SDRF की टीमों ने असुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी है। टीमें भूस्खलन की घटनाओं में क्षतिग्रस्त घरों पर रेड क्रॉस का मार्क लगा रही हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। सर्वे किया जा रहा है और जो हमें जानकारी मिली है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, ये जो सर्वे का काम है ये कल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें एक जो ताज़ा अपडेट ये है वो ये बताया जा रहा है कि जो पुनर्वास की व्यवस्था है, मुआवजे की व्यवस्था है, उसमें एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम जो है वो प्रशासन ने तैयार किया है। जिनको दूसरी जगहों पर ज़मीन और घर चाहिए उनके लिए भी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। जिनको कैश में पैसा चाहिए वो अपने हिसाब से अगर कहीं पर घर खरीदना चाहें, ज़मीन खरीदना चाहें, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ये सरकार की ओर से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की गई है। जोशीमठ के कुछ होटल्स, एक गुरुद्वारे और 2 इंटर कॉलेजेस में अस्थाई राहत फिलहाल केंद्र बनाए गए हैं। इनमें लगभग 1500 लोग रह सकते हैं। दूसरी तरफ जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। जोशीमठ धंस रहा है, इसकी कई तस्वीरें हमने देखी, आपको दिखाई भी, आपने अलग अलग जरियों से देखी भी होंगी। लेकिन अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब ज्यादातर एक्सपर्ट लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की बात कह के दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को एक बड़ा पुनर्वास कार्यक्रम चलाना होगा। यहाँ के लोगों को हटाकर उनकी शिक्षा का, रहने का, खाने पीने का इंतजाम करना होगा। कुल मिला के अब ये एक ऐसा संकट आन पड़ा है जिससे पूरा का पूरा भविष्य यहाँ के बाशिंदों का अधर में लटक गया है। तो उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, देखिए 2 तरह की राहत होती हैं, एक त्वरित राहत और एक लंबे समय के लिए राहत, सस्टेनेबल राहत। तो क्या हम उस दिशा में हैं या हम फौरी तौर पर राहत पर फोकस कर रहे हैं? फौरी तौर पर राहत फोकस करके तो आप कहीं पे भी उनको शिफ्ट करा दीजिए शेल्टर्स में, लेकिन उनके भविष्य का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए जाने चाहिए। कई एक्सपर्ट्स जोशीमठ की मौजूदा स्थिति को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बता रहे हैं, यानी कि यहां से अब वापस नहीं जाया जा सकता। अब यहां से पुनर्वास जोशीमठ से बाहर निकल जाना ही शायद यहां के लोगों की नियति है।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भूवैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता कहते हैं कि अभी कुछ त्वरित कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी की जांच के लिए वाटर केमिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए, क्षेत्र में जीपीएस मोशन सेंसर लगाने चाहिए जो मूवमेंट को रोकें। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ध्वनि का पता लग जाएगा इससे, जो बहुत जरूरी है। इससे त्रासदी का कोई समाधान निकाला जा सकता है। सरकार को मजबूत ड्रेनेज और सीवर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा, लेकिन अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया। सिस्टम तो कोई आपदा से जुड़ी हुई चीज नहीं है, ये तो एक सिविक इश्यू है। इस पर आज तक क्यों काम नहीं किया गया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमने छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया और एक बड़ी आपदा का हम इंतजार करते रहे। लेकिन अब पीछे देखने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि आगे की राह क्या होगी। जोशीमठ का हवाला देते हुए कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आगे की राह संभल कर चलना होगा। जोशीमठ की बात ही नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ पहाड़ के एक क्षेत्र की बात नहीं है, पहाड़ के कई इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। ऐसे में यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अप्रोच अपनानी होगी। यहाँ ऐसी सड़कें बनाई जानी चाहिए जो कठिन मौसम में खड़ी रह सकें। पहाड़ को ब्लास्ट करने, तोड़ने और नदी में मिट्टी फेंकने जैसी गतिविधियों पर रोक लगानी होगी। सरकार को यहाँ के क्षेत्रों का अध्ययन करके निवेश करना होगा। लेकिन यही सारी बातें तो 1976 में मिश्रा कमेटी ने भी कही थी, हमने क्या सीख ली उससे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि फिलहाल प्रशासन पर है जो होना भी चाहिए। नहीं, हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए, सभी की जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनका परिचय भी आप तक जरूर कराएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे जो आज के इस शो में ये समझने की कोशिश करेंगे जिनसे कि अब जोशीमठ के लिए आगे की राह दरअसल है क्या। अनूप नौटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि तमाम इश्यूज पर फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस लिहाज से कि अब जो भी आपदा आई है उसके बाद की रूपरेखा क्या हो। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। इस वक्त आप स्थिति को किस तरह से आंक रहे हैं? आप लगातार वहां के जो फैक्ट्स हैं वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, आपका आकलन क्या है? कहां तक राहत और पुनर्वास कार्य बचा है और फिर आगे की राह पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इस मोमेंट ऑफ टाइम पर जोशीमठ की स्थिति क्या है सर? दीपक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज अपने शो में इन्वाइट किया है। और अब देखिए कहाँ से शुरू करें। सिचुएशन तो जो है वो बड़े सिंपल वे में बोलें तो सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। भाई इससे ग्रिम सिचुएशन आपकी क्या होगी कि जो इस समय हमारे सामने परिस्थिति है और जो आज आपके जो टॉपिक का या जो आपके जो डिबेट का जो आपका टॉपिक है वो जोशीमठ शहर को बचाने को लेकर के, मुझे लगता है यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन की भी आवश्यकता है कि क्या हम जोशीमठ को बचाने की बात कर रहे हैं या हम जोशीमठ के बाशिंदों को बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जोशीमठ शहर तो देखिए जितने तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ और स्पष्ट ये कहना है कि जोशीमठ को बचाना अब असंभव है। तो ये बोलने में ऑफकोर्स ये बड़ा एक क्रूर बात है और बड़ी दर्दनाक बात है, लेकिन ये तमाम एक्सपर्ट्स का यही कहना है। और ये उन एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओवरनाइट एक्सपर्ट्स नहीं है, ये वो वाले एक्सपर्ट्स हैं जो कि उस लैंडस्केप से जोशीमठ के लैंडस्केप से, चमोली के लैंडस्केप से, हिमालयन लैंडस्केप से भली भांति परिचित है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब जैसा ये एक बड़ी क्लैरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार की हम बात करें, पीएमओ की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, कि इस समय, और आपने भी अभी उस बात को कई बार दोहराया है कि अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो लोगों के इवैक्यूएशन को लेकर के है। जहां तक इवैक्यूएशन की बात है दीपक, मेरी जो अपना असेसमेंट है सिचुएशन का, मैं ये फील कर रहा हूँ कि उसमें अभी बहुत ज़्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है। तो क्योंकि जो सरकार की तरफ से भी बुलेटिन हमारे सामने आ रहे हैं और आपने भी अभी एक आंकड़ा भी आपने शेयर किया था, सरकार की तरफ से जो डेटा उनके अपने बुलेटिन में आ रहा है कि कितने घरों में क्रैक्स हुए हैं, उन्होंने कितने लोगों के घरों में अभी तक, कितने लोगों की उन्होंने अभी तक रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करी है। उदाहरण के तौर पर जैसा हम सब जानते हैं जोशीमठ की जनसंख्या लगभग 20,000 और फौज और आईटीबीपी के लोगों को मिलाकर के इस समय हम एक पूरे जो मास की बात कर रहे हैं लगभग 30-35,000 लोगों की बात कर रहे हैं। पहली बात, अभी तक ये स्पष्टता नहीं आई है कि इस मास में से आज की तारीख में
जिला प्रशासन का या सरकार का क्या टारगेट है, भाई आपको कितने लोगों को इवैक्यूएट करना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सपोज एक 20,000 का आंकड़ा लेके चलते हैं कि भाई आपने एक टारगेट यह बनाया है कि आप 20,000 लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने ये वाली बात गढ़वाल आयुक्त ने बोली कि 40% जो है जोशीमठ शहर, 40% का भी फिगर की बात आ रही है कि उसको हमको ढहाना पड़ेगा। तो 40% 50% के आसपास अगर हम बात कर रहे हैं 20,000 का आंकड़ा। अब ये 20,000 का अगर हमारा बेस है, उसकी तुलना में अभी तक पिछले कई दिनों में चमोली जिला प्रशासन मात्र 1400-1500 लोगों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर पाया है। दैट मीन्स कि अभी तक मात्र 7-8% लोगों की ही वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई है। तो अगर आपका 20,000 का बेस है और अगर अभी आप खाली 1500 पे पहुंचे हैं तो अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो ये तो एक इसका खाली इस पूरे जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये इवैक्यूएशन जो आप बोल रहे हैं, मैं जिसका जिक्र कर भी रहा था अपने ओपनिंग रिमार्क में, ये इवैक्यूएशन किस तरह का, ये टेम्परेरी शेल्टर है या इनको कुछ परमानेंटली यहां से शिफ्ट करने पर भी कुछ फोकस किया जा रहा है, या अभी सिर्फ इनको ये कि ये रातें कैसे गुजार लें इसी पर फोकस है? आपने अच्छा सवाल किया दीपक, बिकॉज मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्काइप में आई एम नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद यू। तो ये जो आपका सवाल है, ये बेसिकली जोशीमठ में ही इनके रहने की कहीं और व्यवस्था करी जा रही है। तो ये कोई और गौचर शहर या कोई पीपल कोटी या कोई और इलाका नहीं है, ये जोशीमठ के ही अंदर जो है। तो ये इनफैक्ट ये भी अपने आप में एक कंसर्न को, ये एक वरी को जन्म देता है कि जिन 20 जगहों को चिन्हित किया गया है इन लोगों को, जोशीमठ के लोगों को वहां ठहराने के लिए, जिस वैकल्पिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी सेफ हैं, क्या वहां पर कोई क्रैक्स आ रहे हैं या क्रैक्स नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप कर क्या रहे हैं कि आप उसी शहर की बाउंड्री में लोगों को उनके घरों से, जो वल्नरेबल पोजिशन में है, वहां से आकर के लेकर के आप उनको इन जगहों पे लेकर के आ रहे हैं। तो हम तो खैर यही अज्यूम कर सकते हैं इस समय कि वो जगहें जो हैं, जो 20 जगहें जो चिन्हित की गई हैं, वो रिलेटिवली लोगों के घरों से रिलेटिवली सेफर हैं। तो ये अभी प्योरली वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है। जैसा आपने कहा कि भाई ठीक है, आप अपने घर में अभी नहीं रह सकते, तो आपको कहीं होटल में, किसी धर्मशाला में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी कहीं कमरों में ठहराने की व्यवस्था है। जो आपका सवाल है कि भाई जो परमानेंट व्यवस्था की बात है, तो आपके व्यूअर्स के साथ में मैं साझा करना चाहूंगा कि जो कई सारे जो निर्णय पिछले 3 या 4 दिनों में लिए गए हैं, उसमें से एक निर्णय सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से ये है कि उन्होंने जोशीमठ में कार्यरत NTPC और HCC हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को, ये आदेश दिया है कि आप 2,000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स या घरों का निर्माण कीजिए। तो ये 4,000 प्री फैब्रिकेटेड घर आने हैं। अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में ये नहीं है कि पब्लिक डोमेन में ये कोई बात आई हो कि इन 4,000 ये जो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज हैं, ये कब तक हमारे यहाँ पर आएंगे, और अगर ये 4,000 घर आते भी हैं तो ये कहाँ पर स्टेशन होंगे। तो यहाँ पर दीपक, मैं एक छोटी सी, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं एक और डायमेंशन यहाँ पर लाना चाहूँगा उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड जैसा हम सबको पता है एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है। उत्तराखंड पर समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं, और आज की तारीख में उत्तराखंड के 16,000 जो गांव हैं, पूरे राज्य में 16,000 गांव हैं, उन 16,000 गांवों में से 400 से ज्यादा गांव में जो है उनका रिहैबिलिटेशन होना है, उनका विस्थापन होना है, क्योंकि वो गांव जो है वो रहने लायक नहीं बचे हैं। तो ये जो पुनर्वास की जो गति है उत्तराखंड राज्य में, वो बहुत धीमी है, कछुआ सर, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं थोड़ा सा वापस अगर इस एरिया पे आऊं, अनूप जी, आपने कहा कि 4,000 प्री फैब्रिकेटेड जो है वो हट्स बनाएगी HCC और NTPC, बट मेरा सवाल यही है कि क्या इन प्री फैब्रिकेटेड हट्स में जोशीमठ के वो लोग जिन्होंने अपना घर खो दिया है, वो बाकी की गुजर बसर कर लेंगे क्या? क्या उनके लिए कोई हम परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं? अच्छा, आज जो है एक बड़ा हास्यास्पद बयान जो है मैं प्रशासन से सुन रहा हूं कि साहब हम वेट कर रहे हैं कि कब सर्वेज होंगे, हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि हमने किस मकान को कितनी आवश्यकता है, किस परिवार को कितनी आवश्यकता है रिहैबिलिटेशन की, तब तक हम आगे क्या बढ़े। मेरा सवाल यह है, 2002-03 में यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने ज्ञापन राष्ट्रपति से लेकर, केंद्र सरकार से लेकर, राज्य सरकार से लेकर, हर मंच पर भेजे, क्या सरकारों ने, मैं वापस नहीं जाना चाहता था अनूप जी, लेकिन मैं थोड़ा सा आज बड़ा विडंबना सी मुझे लगती है, क्या आज तक हमने
सर्वे तक नहीं किया कि यहां पर कितने मकान हैं, कितने संवेदनशील इलाकों में है। अब जब आपदा सर पर आन पड़ी है तब सचिव महोदय ये कहते हैं कि हम आज रात और कल जो है सर्वे करेंगे। आप दो दशक से सर्वे तक नहीं कर पाए तो हम कैसे विश्वास करें सर कि वहां से लोगों को सुरक्षित और उनके भविष्य के सुरक्षा के लिए पुनर्वासित किया जाएगा। लग रहा है सर कि ऐसा लग रहा है कि शेल्टर्स में इधर उधर स्कूलों में उनको निर्वासित जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है सर? देखिए अल्टीमेटली तो दीपक जो हार्श रियलिटी है जो अभी तक उत्तराखंड का जो अनफॉर्चुनेट जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि लोगों को जो है अपने ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। और जब तक कैमरा की और मीडिया की चमक दमक इन इलाकों में रहती है तब तक जो है ये मुद्दे एक किस्म से मेन स्ट्रीम रहते हैं। जैसे ही मीडिया वहां से, भाई मीडिया भी कब तक रहेगा, मीडिया भी कब तक जोशीमठ में, एक हफ्ते, दो हफ्ते, चार हफ्ते, और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर हम चमोली जिले की ही बात करें, हम रैनी आपदा की बात करें जिसकी दूसरी दर्दनाक वर्षगांठ हम लोग 7 फरवरी 2023 को मनाएंगे उसकी, तो रैनी आपदा में भी क्या हुआ, यही तो हुआ, उसके बाद में जो 200 लोगों की मृत्यु होगी। तो ऐसे करके हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। और जो आपने एक बात उठाई इस समय, आप वापस आपने 20 साल की बात करी दीपक, मैं तो पिछले 14 महीने की बात करूंगा और आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहूंगा। 2021 में देखिए दो बड़ी दर्दनाक दुर्घटनाएं या आपदाएं जो हैं इस पूरे क्षेत्र में आई। पहला 7 फरवरी 2021 को जब ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियां जो कि चमोली जिले में हैं वहां पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, आपके जहन में वाली बात होगी, जिसमें 200 से ज्यादा की मृत्यु हुई थी जी। उसके बाद में अक्टूबर 2021 उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी भयंकर बरसात हुई थी और जोशीमठ भी उससे अछूता नहीं है, वहां पर भी 190 मिलीमीटर की बरसात हुई थी। और वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट, एक बड़ा फ्लैश पॉइंट, आप तो दीपक पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 12-14 महीने की बात कर रहा हूं ताकि इसको हम और प्रासंगिक बना सके। और ये बात इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण है कि जोशीमठ के बाशिंदे पिछले 13-14 महीने से प्रशासन के सामने, राज्य सरकार के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने मुझे वहां के स्थानीय राजनेता भी हैं और लोगों के बीच में काम करने वाले इंद्रेश मैखुरी का बयान आज याद आ रहा है जो बता रहे थे कि पिछले साल ही वहां पर आपदा प्रबंधन सचिव को जो है वो ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने वादा किया था कि हम 2-3 दिन में आ रहे हैं। वो 2-3 दिन करते करते एक साल हो गया और अब वहां पर पहुंच रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि हम पहले सर्वे करेंगे, फिर देखेंगे, फिर चिन्हित करेंगे। यस सर, मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अगेन मैं, हम थोड़ा सा पीछे चले गए, हमारी मंशा ये नहीं थी उन पॉइंट्स पर जाना जहां पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है। हम तो अब जोशीमठ के भविष्य की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल हमारे साथ हैं, देश के जाने माने भूगर्भ शास्त्री हैं, पूरे हिमालयन रीजन पर जितना अध्ययन, जितने जो रिसर्चेज हैं पब्लिश हुई हैं डॉक्टर डोभाल की तरफ से, मेरा ख्याल है जो सिद्धहस्ता है सर की उसमें वो बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आप में। डॉक्टर डोभाल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप क्या देख रहे हैं जोशीमठ का भविष्य इस वक्त? डॉक्टर डोभाल मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं थोड़ा टीम से कहूंगा कि एक बार जरा ये जो तकनीकी खामियां इनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। तो अनूप जी अब ये कोऑर्डिनेशन किस तरह का होना चाहिए स्थानीय सरकार? अब देखिए कोसना बहुत हो गया, अब स्थानीय लोग, सरकारी मशीनरी, सिविल सोसाइटी, सबका कोऑर्डिनेशन किस तरह का होना चाहिए ताकि हम एक दूरगामी पुनर्वास दे पाएं जो लोग जरूरतमंद हैं? दीपक मैं देखिए क्लियरली एक तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता है, आपको बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट्स पर काम करने की ज़रूरत है भाई। अब इसमें तो ये है कि भाई आपके जो मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, क्योंकि आप डिजास्टर को तो मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब डिजास्टर की बात होती है तो मैनेजमेंट और मिटिगेशन तो छोड़ दीजिए, अब आपको खाली चीज़ों को मैनेज करना है। और अब मैनेजमेंट के लिए भाई यही है कि भाई अब आप पहली बात आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो, जो आप डिसीजन ले रहे हैं आप उसको जमीन पर जो है उसको क्रियान्वित कर सकें। अभी तो देखिए अभी तो खाली सिलसिला शुरू हुआ है और ये वहां से जो 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 खबरें आ रही हैं, अब ये खबरें आ रही हैं कि भाई लोगों को आपने होटल में ठहरा दिया
और वहां पर उनके खाने की व्यवस्था नहीं है तो लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ही तो है और क्या है। तो जब तक आपका मैनेजमेंट बेटर नहीं होगा, जब तक आपके प्रोसेसेस बेटर नहीं होंगे, जब तक आपके पास टीम्स वहां पर ग्राउंड पर नहीं होंगी, तो ये अल्टीमेटली देखिए इस समय एक क्राइसिस सिचुएशन है, हर कोई इस बात को समझता है। तो ये आपको भाई जैसा मैंने कहा बेसिकली अब ये पूरा का पूरा आपके मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर और आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए खाली मैनेजमेंट से काम नहीं चलने वाला है, आपकी एज एडमिनिस्ट्रेशन एज ब्यूरोक्रेसी आपकी वहां के लोगों के लिए एक सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हैं। हम कई सवालों को तो हम पूरा भी नहीं कर पाए, हमने 4000 घरों की बात करी, लोग फाइनली अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे वो अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन जो इमीडिएट प्रायोरिटी है, जो 10-15-20 हजार लोगों को आप कहाँ ठहराएंगे, उसकी आपकी क्या व्यवस्था है, लोग कहाँ रहेंगे, अब अगर बरसात वहां पर होती है, ठंड वहां पर और ज्यादा बढ़ती है, तो तमाम ऐसे पहलू हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना बड़ा जरूरी है। जो जोशीमठ के लोग हैं वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे भाई, सबसे बड़ी बात है। अगर वो ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं होगा, और वो ट्रस्ट खाली बोलने से नहीं आएगा, वो तो आपके एक्शन से होगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, ये ट्रस्ट का एक बहुत जरूरी, एक बहुत बड़ा इशू है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए हम बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, हम अभी उस पर अगर हम बातचीत करेंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। हाइड्रो पावर जो कैपेसिटी है, क्या हम उसको दोबारा उस पर रीलुक करेंगे? हम इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हैं, अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए ये बात। हम लोग जियोलॉजिकली अनस्टेबल हैं, अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं सरकार से भी कहूँ, मैं वहाँ जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो काम करने वाली हैं उनको भी कह रहा हूँ, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कह रहा हूँ। इतनी छोटी सी बात जो स्थानीय लोग और 1976 से आपको समझा रहे थे, वो आपको समझ में नहीं आई, अब तो समझ जाइए। तो क्या हाइड्रो पावर कैपेसिटी पर, अनूप जी आपका टेक क्या, हाइड्रो पावर कैपेसिटी पे क्या हम रीलुक करेंगे? क्योंकि हम शायद इतना आगे बढ़ गए। अभी तो मैं पिछले दिनों बयान सुन रहा था, पुष्कर सिंह धामी साहब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर 44 परियोजनाओं के लिए कहते हैं कि इनको आप स्पीड अप कीजिए। तो हम शायद बहुत आगे बढ़ गए, हम क्या रीलुक करेंगे अपनी कैपेसिटी पर? देखिए ये तो इसको तो करना ही पड़ेगा, अब एक्चुअली कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो 44 वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये 44 वाली बात तो ये देखिए ये प्री जोशीमठ है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए, विशेष तौर पर जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है केंद्र में और उत्तराखंड में। देखिए जोशीमठ उत्तराखंड के 2 दशक के इतिहास का ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है दीपक। उत्तराखंड का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट 2013 की केदारनाथ आपदा थी, और एक दशक के बाद 2023 के बाद में आज जोशीमठ हमारे सामने है। हम सब लोग अपनी आंखों के सामने एक शहर को दरकते हुए मरते हुए देख रहे हैं। आज के बाद भी अगर जो है अगर कोई कोर्स करेक्शन नहीं होता है, आज के बाद में भी अगर उत्तराखंड कोर्स करेक्शन नहीं करता है और ईमानदारी के साथ में कोर्स करेक्शन नहीं करता है, देन यू नो फ्रेंकली व्हाट टू से, यू नो वी आर डूम्ड एंड वी आर डूम्ड इन अ बिग बिग वे। आपके पास एक्चुअली कोई विकल्प भी नहीं बचता है। Absolutely. आपको अगर सर्वाइव, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल नाउ। आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ, ये सर्वाइवल से जुड़ा हुआ इशू है। आपने 2013 की बात करी, बिल्कुल आपसे 10 साल पहले और चले जाए, वरुणा व्रत उत्तरकाशी का, वहां पर 2000 बिल्कुल 2003 2013 2023 अब इसको 10-10 के क्रम में बांटकर कई लोग अपनी अपनी चीजें निकालेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बहुत बड़ा संकट है। और अभी जैसा डॉक्टर एसपी सती, दूसरे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे मेरी बातचीत के आधार पर हुआ, एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होनी बाकी है इस पूरे हिमालयन में। सेस्मिक जोन 5 में हम आ रहे हैं, भूकंपीय दृष्टि से हम सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके में हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का एक झटका हमारे पास आया तो हमारी क्या स्थिति होगी? एक और ऑब्जर्वेशन जो डॉक्टर एमपीएस बिस्ट की है, आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए तकनीकी खामी से, ना डॉक्टर डोभाल जुड़ पा रहे हैं ना डॉक्टर एमपीएस बिस्ट, संभवतः कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, डॉक्टर एमपीएस बिस्ट का ये कहना है कि अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, अभी सर्दियां और गहरी होंगी, और जो क्रैक्स हैं वहां पर जो पानी है, अगर वो सब 0 डिग्री तक पहुंच गया और वो जम गया उन क्रैक्स में, तो जो वॉल्यूम है, जो भारीपन है, वो आएगा, लोड बढ़ेगा, और शायद इस पूरे इलाके में जो कि मोरेन में बसा हुआ है उसके लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि वहां पर सब 0 प्रॉब्लम्स आए, पानी जो क्रैक्स में जो पानी घुस रहा है अंदर, वो जमना शुरू हो जाए, बहुत जल्दी हमको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं, हम तो भरोसा ही कर सकते हैं सरकार पर और तंत्र पर, बाकी एक्शन लेना सरकार के हाथ में है। अनूप जी शुक्रिया। आपको
हुए, आपकी बात को जोड़ते हुए, अगर हमारे पास समय है तो आपके व्यूअर्स के साथ में, अब जो पूरी एक नई बहस उत्तराखंड में शुरू हुई है वो ये भी है कि उत्तराखंड राज्य में और कौन से नए जोशीमठ पनप रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पिथौरागढ़ का धारचूला, मुंशियारी, तमाम ऐसे शहर हैं उत्तरकाशी में, भटवाड़ी, और ये लंबी फेहरिस्त है शहरों की और गांव की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। नीचे सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नीचे अभी कर्णप्रयाग में बातें होनी शुरू हो गई हैं कि वहां पर किस तरह से कुछ इलाकों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इधर प्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 घरों में, मसूरी के लंडौर इलाके में सड़कों पे जो है क्रैक्स आ रहे हैं, नैनीताल का तो ऐसे करके ये बहुत एक लंबी फेहरिस्त है जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का बिंदु है। और नीचे श्रीनगर में जो है वो जो टनल्स जा रही हैं रेलवे के लिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जब टनल्स में काम होता है उनके घर हिलने लग जाते हैं। तो बहुत एक सेंसिटिव, जिसको कहते हैं हम कि एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। यस, एनटीपीसी का 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट, वो जो हेलांग का बाईपास है, तमाम इस किस्म के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, इन सभी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जोशीमठ की इस आपदा के बाद में लगता है। दीपा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। ये जोशीमठ का जो एक एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने, अब ये एरा डिसाइड करेगा, प्री जोशीमठ और पोस्ट जोशीमठ। प्री जोशीमठ हम सबके सामने है सच्चाई के रूप में, हमारे इतिहास के रूप में, लेकिन पोस्ट जोशीमठ हमारे हाथ में है, हमारे नीति नियंताओं के हाथ में है, हमारे स्थानीय लोगों के हाथों में है, तमाम स्टेक होल्डर्स के हाथ में है। और पोस्ट जोशीमठ क्या होगा ये हम आज तय कर सकते हैं, हमें बस एक इच्छा शक्ति चाहिए और एक होलिस्टिक अप्रोच। वो अप्रोच क्या होगी, वो दिशा क्या होगी, ये देखना बाकी है। उम्मीद करते हैं तस्वीर अच्छी हो। बहुत सहेलिया, थैंक यू सो मच अनूप जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए आज, थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी मीडिया ने सीबीएसई सर्टिफिकेशन के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। अभी पुणे के 3 स्कूलों का नाम सामने आया है, इसमें करीब 1000 स्कूल फंस सकते हैं। पूरी खबर लेते हैं संवाददाता तन्मय टिल्लू से। तन्मय, जी 24 तास ने बड़ा खुलासा किया है, कितने स्कूलों पर गाज गिर सकती है और हजारों छात्रों का भविष्य का मामला है, सरकार का क्या कहना है? राज्य के शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, फर्जी स्कूल सामने आई है। अब तक जो तहकीकात हुई है, जी मीडिया ने जो एक्सपोज किया है, ये सब मामला सामने लाया है, दर्शकों के लिए सामने लाया है, उसमें अब तक जो तहकीकात हुई है उसमें से 1000 से भी ज़्यादा स्कूल फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है, और इसमें राजनीतिक दलों के कुछ पदाधिकारी भी होने की आशंका जताई जा रही है। एक गुट है जो स्कूलों को CBSE सर्टिफिकेट मुहैया कराती है, CBSE सर्टिफिकेट दिलाती है, और ऐसे गुट सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक जो तहकीकात सामने आई है उसमें से अब तक ये सब फर्जी स्कूल जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये 1000 से भी ज़्यादा फर्जी स्कूल सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो शिक्षा आयुक्त है सूरज मांढरे, उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि अब ये सारे मामले की कार्रवाई होने जा रही है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसकी तहकीकात की जाएगी, और ये सब जो गुट जो सक्रिय है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपके मोबाइल पर बैंक की तरफ से कई मैसेजेस आते रहते हैं, इसमें से कई आपके अकाउंट की जानकारी देने के लिए होते हैं, तो कुछ में आपको सतर्क किया जाता है। अब जालसाज इन मैसेजेस के बहाने ही आपसे ठगी करने लगे हैं, आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती नहीं कि आपका खाता साफ। आपका जिस बैंक में खाता है उस बैंक की तरफ से आपको कई तरह के मैसेजेस आते रहते होंगे, और अब इन्हीं मैसेजेस का सहारा लेकर जालसाज आम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इन जालसाजों के निशाने पर खास तौर पर सीनियर सिटीजंस, सर्विसमैन और कम पढ़े लिखे लोग हैं। ताजा मामला मुंबई में सामने आया है, यहां ठगों ने एक रिटायर्ड कारोबारी को चूना लगा दिया। माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक रिटायर्ड कारोबारी को रात में करीब 10 बजे फोन पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा गया था कि आपका KYC कंप्लीट नहीं है, अगर आप KYC पूरा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैसेज के अंत में एक लिंक भी दिया गया था। बुजुर्ग ने अकाउंट ब्लॉक होने के डर से लिंक पर क्लिक कर दिया और लुटेरों को OTP भेज दिया। OTP भेजने के बाद उनके अकाउंट से 110,000 रुपए साफ हो गए। माटुंगा पुलिस के साइबर सेल ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी झारखंड से ऑपरेट कर रहा था। मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं। एक
क्रोमा कंपनी क्रोमा के स्टोर से एक मोबाइल ऑर्डर किया था। हमने वहाँ जाके इंफॉर्मेशन निकाला, सीसीटीवी फुटेज निकाला और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके दो एक्यूज को हमने दिल्ली से पकड़ा है और उनसे इन्वेस्टिगेशन करके हमें एक मालूम पड़ा कि उनका हैंडलर झारखंड में, तो झारखंड जाके उसको भी पकड़ा है। अभी और दो हमें अरेस्ट करना बाकी है, तहकीकात चल रहा है उसका। ये पहली बार नहीं है जब लोगों के साथ ओटीपी फ्रॉड हुआ हो। ऐसे फ्रॉड से आप थोड़ी सतर्कता बरतने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आपके बैंक खाते से जुड़ा कोई मैसेज आए तो कोई भी जानकारी देने से पहले बैंक से बात जरूर कर लें। याद रखें कि आपका बैंक आपसे कभी भी ओटीपी नहीं मांगता। आपको किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी या दूसरी जानकारियां शेयर नहीं करनी है। मैसेज या ईमेल के जरिए आए अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। ये लिंक आपके डिवाइस में मालवेयर डाल सकता है जिससे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। किसी भी मैसेज या कॉल पर जवाब देते वक्त सतर्क रहें। कोई भी संदिग्ध जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से बचें। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अपने ओटीपी या खाते से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी किसी के साथ शेयर की है और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड होता है तो फिर बैंक भी जिम्मेदारी नहीं लेते। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। क्या आपको भी हर सवाल का जवाब गूगल पर खोजने की आदत है? अगर हाँ तो सतर्क हो जाइए क्योंकि साइबर अपराधी आपकी इस आदत का फायदा उठाकर आपसे जालसाजी करने की फिराक में है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रेसिपी हो चाहे नजदीकी होटल की जानकारी, लोग आजकल गूगल पर हर चीज सर्च करते हैं। लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो वो गूगल का ही सहारा लेते हैं और जिन लोगों को हर चीज गूगल से पूछने की आदत है उन पर अब साइबर अपराधियों की भी नजर है। जालसाज खासकर उन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जो गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं। जालसाज फर्जी कस्टमर केयर नंबर की मदद से आम लोगों को चूना लगाते हैं और ये पूरा खेल चल रहा है गूगल एड्स के जरिए। साइबर अपराधी पहले कस्टमर केयर की एक वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसे गूगल पर पैसा देकर बूस्ट करते हैं। ऐसे में जब आप गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं तो आपको जालसाजों का नंबर सबसे ऊपर दिखने लगता है। लोग क्या क्या सर्च करते हैं वो एग्जैक्ट लाइन हमारी उस रिटन बॉडी में होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो ये बहुत सारी ऐसे स्टडी करके प्रॉपर एल्गोरिथम्स पे एक्सपेरिमेंट करके उस हिसाब से वेबसाइट बना देते हैं, एक स्कैम वेबसाइट। लोग उसे सर्च करते हैं, वो गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे टॉप में आ जाती है, फिर लोग उसे कॉल करते हैं, फिर ये एनी डेस्क उससे डलवा लेते हैं और कोई तरीका यूज कर लेते हैं और उस बंदे को पूरी तरह से स्कैम कर लेते हैं। अब आपको कुछ आप बीती भी सुनाते हैं। ये है नोएडा के रहने वाले सभाजीत यादव। सभाजीत यादव के डेबिट कार्ड का पिन जनरेट नहीं हो रहा था। ऐसे में सभाजीत ने गूगल पर अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और उस नंबर पर कॉल करने के बाद जालसाजों ने उन्हें 45,000 का फटका लगा दिया। सर, मैं एटीएम का पिन जनरेट करना चाहता था, गूगल से नंबर लिया, वो कोई शर्मा जी करके बात कर रहा था, उसने गूगल मैंने एप्लीकेशन जब कहने मतलब वो नंबर डाल किया तो उस नंबर से बात किया तो मेरे को एप्लीकेशन डाउन करने के लिए बोला। वो जैसे जैसे बोला मैंने वैसे किया, वो धीरे पैसा मेरा कब कट गया मेरे को कुछ पता नहीं लगा। बाकी हम साइबर ब्रांच भी गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने रुपए मतलब कटे हुए? सर हमारे 47,000 अप्रोक्स कट गए। विशेषज्ञों की माने तो साइबर फ्रॉड का ये नया तरीका है। इस तरीके में जालसाजों के अपने मंसूबों में सफल होने की संभावना ज्यादा है और इस पूरी लूट में नुकसान पीड़ित का ही होना है क्योंकि आरबीआई के नियम ही कुछ ऐसे हैं। कैच ये है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो कहती है कि यदि 3 दिन के अंदर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है बैंक को तो बैंक इज लायबल टू पे यू एवरीथिंग। 3 दिन के अंदर ही कंप्लेन हो जाती है मोस्टली, फिर भी पैसा वापस नहीं आता। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उस गाइडलाइन में कैच है कि यदि गलती आपकी है तो बैंक की लायबिलिटी नहीं होगी। अब गलती नॉर्मली देखा जाए तो 99% विक्टिम की ही होती है क्योंकि वो गलती से भरोसा कर लेता है। गूगल सर्च वाले इस फ्रॉड से बचना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जिस भी वेबसाइट या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहते हैं हमेशा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क करें। संबंधित कंपनी या विभाग की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करें। मदद के दौरान अगर कोई व्यक्ति आपको फोन पर किसी भी प्रकार का लिंक भेजता हो तो उसे न खोलें। किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। अगर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो शिकायत तत्काल साइबर सेल और संबंधित थाने में दें। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा।
अगर आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है तो सतर्क हो जाएं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अल्कोहल की कोई ऐसी सुरक्षित मात्रा नहीं है जो सेहत को प्रभावित ना करे। कहने का मतलब ये है, कई लोग ज्ञान देते हैं कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लिया करो। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए अलबत्ता उल्टा स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो ऐसे लोगों की आँख खोली है WHO ने, अल्कोहल की एक बूंद भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्कोहल को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। WHO ने दावा किया है कि अल्कोहल की पहली बूंद पीने से भी कैंसर का खतरा शुरू हो सकता है, और इसके साथ ही अल्कोहल पीने का ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है कि कितनी ड्रिंक लेना हानिकारक नहीं है। हाल ही में द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में छपी स्टडी के मुताबिक अल्कोहल का सेवन करने से कम 7 प्रकार के कैंसर का खतरा हो जाता है। इसमें माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर, कोलन कैंसर शामिल हैं। स्टडी में कहा गया है कि अल्कोहल कोई सामान्य पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि यह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला ही पदार्थ पेय पदार्थ है। WHO ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि अल्कोहल जैविक तंत्र के माध्यम से कैंसर की वजह बनता है। WHO ने यह भी कहा है कि यूरोपीय क्षेत्र में कैंसर की बड़ी वजह अल्कोहल ही है। इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्होंने कम मात्रा में इसका सेवन किया है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जुर्गेन रेहम बताते हैं कि विश्व स्तर पर शराब की सबसे ज्यादा खपत यूरोपीय देशों में ही हो रही है। इन देशों में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को अल्कोहल की वजह से कैंसर होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो ये दावा करे कि कम सेवन से कैंसर का जोखिम भी कम हो जाता। ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं चौकन्ने हो जाएं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि FSSAI ने खुलासा किया है कि बाजार में बिकने वाले करीब 15% प्रोटीन पाउडर 2M दर्जे के होते हैं और ये किडनी, लिवर और हार्ट को बीमार कर सकते हैं। सेहत का खजाना है हेल्दी बॉडी, इसके लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। जाहिर है पसीना बहाने के बाद अच्छी खुराक की भी जरूरत होती है। इसके लिए बाजार में डाइटरी सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में बिकने वाले करीब 15% प्रोटीन पाउडर घटिया क्वालिटी के होते हैं? चौंकिए नहीं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। FSSAI ने 2020-21 के दौरान किए गए सर्वे में करीब 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूने में से 4,900 नमूनों को सेहत के लिहाज से असुरक्षित पाया, जबकि 16,500 नमूने घटिया क्वालिटी के पाए गए। वहीं 11,500 से अधिक नमूनों की लेबलिंग में प्रोडक्ट को लेकर भ्रामक जानकारी दी गई थी। FSSAI ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इन प्रोडक्ट्स पर तत्काल एक्शन लेते हुए इनमें से करीब 5,000 मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने के साथ करीब 29,000 दीवानी मामले दर्ज करवाए हैं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के आरोप में 19,000 से अधिक मामलों में सजा के साथ 53 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल FSSAI ऐसी कंपनियों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि सेहत के नाम पर किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सके। घटिया और अनहेल्दी प्रोटीन पाउडर बेचकर कंपनियां तो चांदी काट रही हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वालों की सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। डॉक्टरों की माने तो असुरक्षित प्रोटीन पाउडर का सेवन आमतौर पर यूथ अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए करते हैं, लेकिन घटिया क्वालिटी के इन प्रोडक्ट से किडनी, लीवर और हार्ट पर इसका घातक असर पड़ रहा है। 2020 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रोटीन पाउडर में ज्यादा मात्रा में सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम और पारा के अलावा प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बिस्फेनॉल ए यानी BPA होता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा घटिया क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर लेने से सिरदर्द, मुहासे निकलना, आलस्य, कब्ज और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी रहती है। घटिया और अच्छे प्रोटीन पाउडर की पहचान की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का FSSAI नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए कि वो डब्बे पर है भी या नहीं। सप्लीमेंट कंटेनर पर सील होने के साथ ढक्कन के अंदर की तरफ सील होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट नकली है। अब प्रोडक्ट की जांच पर आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़े से पानी में प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप मिलाएं और इसे शेकर में 30 सेकंड तक हिलाएं। अगर पाउडर पूरी तरह से नहीं घुलता तो प्रोडक्ट नकली होना तय है। वहीं हमेशा सीधे कंपनी या अधिकृत डीलरों से ही सप्लीमेंट्स की खरीदारी करें, क्योंकि आपकी जागरूकता आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से चली बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों पर साफ दिख रहा है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले दो दिन सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सर्दी से अगले 48 घंटे सावधान। चार राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट। कोहरा मचाएगा कोहराम। ये देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली पर मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। सर्दी, कोहरा और प्रदूषण, तीनों अटैक से राजधानी के लोग बेहाल हैं। दिल्ली इस मौसम के सबसे सर्द दिनों का सामना कर रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया जा चुका है, जो कि सामान्य से बेहद कम है। हालात को देखते हुए दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। लेकिन सर्दी का सितम सिर्फ दिल्ली NCR तक ही सीमित नहीं है। मौसम की मार कई राज्यों में फैली है। IMD ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और UP के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान और बिहार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी इन इलाकों में तापमान लगातार सामान्य से कम बना रहेगा, साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। कोहरे के असर को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस वजह से रविवार को 335 रेलगाड़ियां देरी से चली, 88 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि 31 रेलगाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ा। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से 20 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। बर्फीली हवाओं की वजह से बिहार के दानापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 9 साल बाद गिरते तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है। प्रदेश के कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, पेंड्रा रोड, कवर्धा और दुर्ग में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को ठंड से राहत के लिए 10 जनवरी की रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी दिन से पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। हालांकि बारिश हो सकती है और आसमान थोड़ा साफ होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है, लेकिन तब तक आप सर्दी से बच कर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर घाटी और लद्दाख में हुई ताज़ा बर्फबारी ने पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के मिजाज को और बदल दिया है। अगर आप बर्फबारी देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिल स्टेशंस में बिछी बर्फ की सफेद चादर आपका इंतजार कर रही है। कश्मीर के इन दिलकश नजारों से दो चार होने का दिल किसका नहीं करेगा। धरती के स्वर कहे जाने वाले कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में हुई ताजा बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी में इजाफा कर दिया है। इन चेहरों पर छुट्टियां मनाने के साथ इस बात की भी खुशी है कि वक्त बर्फबारी के बीच बीत रहा है। सैलानियों के लिए अच्छी बात यह है कि अभी कश्मीर घाटी में और बर्फबारी होगी। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो द्रंग का वाटरफॉल है, जो फ्रोजन वाटरफॉल है, क्योंकि टेम्परेचर जो है यहां पर -12 के आसपास रात में रहता है, जिसके कारण ये मैं आपको बता दूं ये वाटरफॉल जो है पूरी तरह से फ्रोजन हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड में जो गर्मी कश्मीर वासियों को महसूस हो रही है वो पर्यटकों से हो रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। न सिर्फ इस बार गुलमर्ग पर के कश्मीर के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन गिरते तापमान के बाद बर्फबारी और बारिश ने श्रीनगर और कारगिल के हालात हार्ड कपकपाने वाले कर दिए हैं। लेह लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। लेह लद्दाख में नदी नाले जम गए हैं। बच्चे बर्फ में स्केटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ ठंड का आलम यह है कि दुकान में रखी तेल और पानी की बोतलें भी जम गई हैं। लेह लद्दाख में सर्द हवाएं हाड़ को कपा रही हैं, लेकिन लोग इस कड़ाके की ठंड का स्वागत कर रहे हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बाद बाजार की कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को बाजार में हैप्पी वाला मंडी देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 850 अंक उछलकर 60,750 के करीब बंद हुआ। निफ्टी करीब 2,500 अंक उछलकर 18,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की तूफानी तेजी देखने को मिली। पूरा एक्शन बता रहे हैं दिन भर का आशीष चतुर्वेदी। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत जो है बढ़िया तेजी के साथ हुई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देखिए निफ्टी में करीब करीब 246 अंकों की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की तरफ से भी प्रदर्शन काफी बढ़िया था, 400 अंकों की तेजी थी। हालांकि ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी दिन के दौरान जो है स्ट्रेंथ और गेंस बिल्कुल बरकरार देखने को मिले। आइए देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स। तो M&M यहाँ पर देखिए 4% की गेंस, HCL टेक 3.5% ऊपर, TCS यहाँ पर 3% की तेजी देखने को मिली, और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो IT पैक में तेजी 3% के उछाल यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स के बाद टाइटन ऊपरी तरफ से फिसला, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। HDFC लाइफ पिछले दो हफ्ते से लगातार बजिंग होने के बाद थोड़ा सा सुस्ता और करीब 0.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखें तो भारत गियर्स, लुमैक्स इंडस्ट्रीज और ऑटोमोटिव एक्सेल यहाँ पर काफी बड़े उछाल देखने को मिला। NBFC स्टॉक्स की बात की जाए तो उज्जीवन हो, PTC इंडिया फाइनेंशियल्स हो, LET फाइनेंस यहाँ पर काफी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिली। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स में लगातार बड़े ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। आज भी 8% के बड़े गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। वेरंडा लर्निंग हाल ही की लगभग लिस्टिंग मानी जाएगी, 6% गेंस यहाँ पर देखने को मिले। KEC इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल, मैक्स हेल्थकेयर और इंटेलेक्ट डिजाइन ये भी कैसा IT स्टॉक है जहाँ पर आपको करीब करीब 4% के गेंस देखने को मिले। और गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया, लगातार दिक्कत की खबरें आती जा रही हैं, 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कैंप प्लस, सनमार, सीएट और कंसाई नेरोला करीब करीब 4% की गिरावट के साथ बंद हुए। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। #ZIndia360, कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।